नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 1 दिसंबर की कड़ी में हम बात करते हैं देशानुरागी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने विदेश में रहकर देश की आजादी के लिए प्रयास किए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरसान के हाथरस के एक प्रसिद्ध जाट राजवंश में 1 दिसंबर 1886 को हुआ था। वे अपने पिता राजा घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र थे। उनका लालन पालन और प्राथमिक शिक्षा वृंदावन में हुई। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यही विद्यालय आजकल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। एक बार उन्होंने देखा कि एक प्रदर्शनी में छोटी सी बात पर एक छात्र की पुलिस वालों से झड़प हो गई। प्रधानाचार्य ने इस पर उसे 3 साल के लिए विद्यालय से निकाल दिया। इसके विरोध में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में छात्रों ने हड़ताल कर दी। उस समय वे बीए के एक छात्र थे। उनके ओजस्वी भाषण से नाराज होकर उन्हें भी विद्यालय से निकाल दिया गया। राजा महेंद्र प्रताप अपने पिताजी तथा एक अध्यापक श्री अशरफ अली से बहुत प्रभावित थे, जो हिंदू धर्म व संस्कृति से प्रेम करते थे। छात्र जीवन में ही उनका विवाह पंजाब के एक राजवंश में हो गया। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जाने पर उनके ससुर ने उनसे संबंध तोड़ लिए। राजा महेंद्र प्रताप जब देश भ्रमण पर गए तो उन्हें देशवासियों की दुर्दशा और शासन के अत्याचार देखने को मिले। इससे उनका मन बहुत दुखी हुआ। 17 अगस्त 1917 को उन्होंने विश्व यात्रा के लिए प्रस्थान किया। वे रोम, पेरिस, बर्लिन तथा लंदन गए। इस यात्रा से उनके मन में देश की आजादी की ललक और तीव्र हो गई। भारत लौटकर उन्होंने अपनी संपत्ति से एक विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद वे फिर विदेश प्रवास पर चल दिए। अगले 31 साल वे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान, तुर्की, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, रूस आदि देशों में घूमकर आजादी की अलग जगाते रहे। इस पर शासन ने उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित कर उनकी संपत्ति जब्त कर ली। दिसंबर 1915 में उन्होंने विदेश में अपनी अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार की। इसमें मौलाना बरकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। वे भारत की ही नहीं तो विश्व के हर देश की स्वाधीनता के पक्षधर थे। 1925 में उन्होंने न्यूयॉर्क में निग्रो लोगों की स्वतंत्रता के समर्थन में भाषण दिया। सितंबर 1938 में उन्होंने एक सैनिक बोर्ड का गठन किया, जिसमें वे अध्यक्ष राजबिहारी बोस, उपाध्यक्ष तथा आनंद मोहन सहाय महामंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें बंदी बना लिया गया, पर कुछ नेताओं के प्रयास से वे मुक्त करा लिए गए। अगस्त 1945 में जलियान से चेन्नई पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वे देश में जहां भी गए देशभक्त जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। स्वाधीनता के लिए मातृभूमि से 32 वर्ष दूर रहने तथा अपनी सारी संपत्ति होम कर देने वाले ऐसे त्यागी पुरुष के दर्शन करने लोग दूर दूर से पैदल चलकर आते थे। राजा महेंद्र प्रताप पंचायती राज को ही वास्तविक स्वाधीनता मानते थे। वे आम आदमी के अधिकारों के समर्थक तथा नौकरशाही के अत्यधिक अधिकारों के विरोध थे। वे 1957 में मथुरा से लोकसभा के निर्दलीय सदस्य बने। वे भारतीय स्वाधीनता सेनानी संघ तथा अखिल भारतीय जाट महासभा के भी अध्यक्ष बने। 29 अप्रैल 1979 को उनका देहांत हो गया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।